This is the day they arrived. हम अपनी सिविलाइजेशन की शुरुआत के बाद से ही सब बारे में सोचते आए हैं कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, स्पेसिफिकली पेंटागन द्वारा रिलीज की गई यूएपीज की फुटेज के साथ। यूएफओ इंथुजियास्ट पूरी दुनिया में इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड हैं कि एलियंस हमें विजिट करने हमारी पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन फुटेजेस के कंटेंट को लेकर काफी स्पेक्टिकल हैं। इन्हीं में से एक है एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डेग्रास, जो कि डिस्कवरी चैनल की कई सीरीज में भी काम कर चुके हैं। आइए उनके ओपिनियन और इस पूरी घटना के बारे में डिटेल से जानते हैं। नील डेग्रास कहते हैं कि वो इन वीडियोस को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पूरी यूएफओ कम्युनिटी उनके ओपिनियन से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि मैं उस फुटेज में देख रही उस मिस्टीरियस चीज को एलियन नहीं मान रहा। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और हमारा यूनिवर्स भी ऐसी हजारों ही मिस्ट्रीज से भरा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस फुटेज को पहली बार देखने या ऐसी किसी चीज का सामना करने पर जिसे आप नहीं समझ सकते, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आपका पहला थॉट होगा ये एलियंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपका पहला थॉट कोई और चीज हो सकती है, जिसके बाद ही आप इसे एलियन हाइपोथेसिस के साथ जोड़ेंगे। वो कहते हैं कि मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इतना कन्विंसिंग नहीं है कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगा दूं। कई अदर एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो इससे काफी ज्यादा कन्विंस्ड हैं। आसमान में दिख रही लाइट्स जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि हमारे फेडरल डिफेंस बजट के कुछ बिलियन डॉलर्स अगर इस बात का पता लगाने में लग गए हैं कि ये चीज क्या है और क्या ये हमारे लिए खतरा हो सकती है, मुझे इससे भी जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट पर मौजूद सबसे पॉपुलर यूएफओ इनकाउंटर स्टोरीज में से एक है 2004 की यूएसएस निमिट्ज यूएफओ इंस्टेंस। सैन डिएगो कैलिफोर्निया की ऑफ कोस्ट पर कुछ पायलट्स अपनी प्लेन्स में थे, जिन्हें यूएसएस प्रिंसटन द्वारा डायरेक्टेड यूएसएस निमिट्ज ने उनकी रडार पर दिखे कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का पीछा करने के लिए कहा गया। इन पायलट्स ने एक विजुअल इनकाउंटर रिपोर्ट किया और एक इंफ्रारेड वीडियो को रिकॉर्ड किया। इस वीडियो को बाद में नेवी द्वारा वेरीफाई भी किया गया कि ये उनके ही नेवी पायलट्स द्वारा रिकॉर्ड की गई है, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इन साइटिंग्स के नेचर को भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया और जिसे वो अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना क्लासिफाई करते हैं। यूएसएस निमिट्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के फाइटर पायलट कमांडर डेविड फेवर का कहना है कि उन्होंने सदर्न कैलिफोर्निया के ऑफ कोस्ट पर रडार द्वारा इंडिकेटेड पॉसिबल टारगेट्स को इन्वेस्टिगेट किया था। डेविड को बताया गया था कि यूएसएस प्रिंसटन इन विजुअल एयरक्राफ्ट्स को उस इंसिडेंट से दो हफ्ते पहले से ट्रैक कर रही थी, जिसमें एक अनयूजुअल एयरक्राफ्ट 80,000 फीट की ऊंचाई पर रडार में आने लगता, फिर वो तेजी से समुद्र की तरफ आता और 22,000 फीट पर आकर वो रुक जाता और समुद्र के ऊपर होवर करने लगता। कमांडर डेविड का कहना है कि उन्होंने समुद्र के ऊपर एक सफेद रंग के ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट को होवर करते हुए देखा था, और जिसे उनके अलावा तीन अदर पायलट्स ने भी देखा था, जिसे लोगों ने बाद में टिक टैक यूएफओ नाम दिया। वो बताते हैं कि जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचे, वो मिस्टीरियस क्राफ्ट आसमान की तरफ उड़ने लगा और तेजी से गायब हो गया। कई लोग इस इवेंट और इस जैसे कई अदर इंसिडेंट्स को एलियंस के पृथ्वी पर आने के एविडेंस के रूप में पेश करते हैं। नील डेग्रास कहते हैं कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि मैं नहीं जानता कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये एलियंस हैं। ये दोनों बातों को जोड़ने का काम यूएफओ फैंस करते हैं। नील डेग्रास कहते हैं कि आपको भले ही आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जितना भी बिलीव हो, लेकिन इसके बाद भी इनमें कुछ ग्लिचेस या एरर्स होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये उस वीडियो में देखी गई चीजों की एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बजाय इसके कि एलियंस किसी दूसरे ग्रह को विजिट करने आए हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे जानते हैं कि ये उनसे जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हर ग्लिच या एरर को किसी तरह से भी नहीं जान सकते।
नील डिग्रास कहते हैं कि हर दिन इंटरनेट पर 6 बिलियन हाई रेजोल्यूशन कलर इमेजेस और वीडियोस अपलोड होती हैं। आज पूरी दुनिया में 3 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। पूरी दुनिया के लोग ही सबसे बेस्ट ऑब्जर्वर हैं ऐसे किसी इवेंट के लिए जिसमें कुछ हमारी पृथ्वी को विजिट करेगा। आप अपने एलियन इनकाउंटर को आज टेक्नोलॉजी की वजह से आसानी से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। पुराने दिनों में एलियन इनकाउंटर्स को सच बताने वाले लोग दावा करते थे कि एलियंस ने उनके कैमरास तोड़ दिए या उनके फुटेज खराब कर दिए, इसलिए मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। नील कहते हैं कि अगर आज कोई एलियन आपकी तरफ आ रहा हो तो आप आसानी से इस इनकाउंटर को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और जो पल भर में ही इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज एलियन अबडक्शन के केसेस भी 0 के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर हम ये भी अज्यूम करते हैं कि उस वीडियो में एलियंस हैं, तो भी उन्हें नेवी पायलट्स को खुद को दिखाने की क्या जरूरत थी। इसी के साथ मिलिट्री पूरी दुनिया को उस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकती जैसे हम 7 बिलियन लोग इसे मॉनिटर करते हैं। अगर आप मुझे एलियंस को पृथ्वी को विजिट करने के लिए कन्विंस करवाना चाहते हैं, तो आपके पास एलियन स्पेसक्राफ्ट से जुड़ा कोई एविडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके हाईली सोफिस्टिकेटेड नेवी इक्विपमेंट के बाद भी एक फजी मोनोक्रोमेटिक टिकटैक वीडियो है और आप इसे बेस्ट एविडेंस कहते हैं, तो आपको और काम करने की जरूरत है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सितारों का नंबर देखें तो ये एक सेप्टिलियन है, यानी एक के पीछे 24 जीरोस, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। अगर गैलेक्सीज भी जीवन से भरी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए हमारी पृथ्वी को विजिट करेगी। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो नील डिग्रास और उनके जैसे यूएफओ स्पेक्टिक्स को अटैक करते हैं और उन्हें एंटी एलियंस दिखाते हैं। नील डिग्रास कहते हैं कि मैं भी एलियंस को देखना चाहता हूं और जो हमारी सिविलाइजेशन की बिगेस्ट डिस्कवरीज में से एक होगी। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे मूवीज में एलियंस को अनफ्रेंडली दिखाया जाता है, जो कि उन एविडेंस पर बेस्ड है कि हम कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, बजाय ऐसे किसी एक्चुअल एविडेंस के कि वो एलियंस वाकई में हमें कैसे ट्रीट करेंगे। इसी वजह से ही एलियंस की मौजूदगी से जुड़ा हमारे मन में इतना डर बैठा है। दूसरा कि आप मूवीज में देखिए कि एलियंस को कैसे दिखाया जाता है, यानी पोर्ट्रे किया जाता है। ये सभी एलियंस बोल सकते हैं, इनकी भी 2 बाजुएं और 2 टांगे रहती हैं। अगर आपका एलियंस को देखने का नजरिया ऐसा ही है तो ये वर्टिब्रेट फिनोमिना है, यानी हम एलियंस के बॉडी स्ट्रक्चर को हमारे जैसे हड्डियों जैसे ढांचों के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं होए तो उनका कोई फेस या ट्रेडिशनल बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस बारे में सोचना कि वो एलियंस कैसे दिखाई देते होंगे, ये हमारे लिए काफी एक्साइटिंग है। लेकिन रियलिटी यही है कि हमारे पास लाइफ का केवल एक ही सैंपल है और हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है कि एलियंस कैसे दिखाई देते होंगे। उस दिन तक बिल्कुल भी नहीं जब तक हम एलियंस को देख नहीं लेते। इमेजिन कीजिए, वो दिन आ गया है और एलियंस हमें यहाँ पृथ्वी पर मिलने आए हैं, तो क्या हमें उनसे डरना चाहिए? क्या एलियंस वाकई में ह्यूमंस में इंटरेस्टेड होंगे? नील डिग्रास कहते हैं, जैसे हम ये इमेजिन करते हैं कि एलियंस हम ह्यूमंस को लेकर क्यूरियस होंगे, ये पूरी तरह से गलत है। ये ऐसा है कि एक सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी का सफर करने की काबिलियत रखती है, वो हमारे बिहेवियर को स्टडी करेंगे। लेकिन वहीं हम ह्यूमंस भी अपनी दुनिया को समझने में लगी हैं और जो चीजें हमारी समझ से बाहर हैं, उसे भी समझने के लिए हम किसी तरह से उसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। नील डिग्रास कहते हैं कि 6 बिलियन इमेजेस और वीडियोस में से एटलीस्ट एक इमेज तो इन एलियंस के क्राफ्ट की हो या इन एलियंस की, जो कि हाई रेजोल्यूशन हो, जो प्रूव कर पाए कि वो वाकई में एलियंस हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि एलियंस हमें विजिट करें? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपके पास स्पेक्टिकल रहने के कई सारे रीजंस हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इन एलियंस की कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज या वीडियो जरूर मिले जिसे स्पेक्टिस भी डिसप्रूव ना कर पाए। लेकिन तब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं जान पाएंगे कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं।
आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।